जो इस्तेमाल की गई थी उसे बरामद कर लिया है। झोटवाड़ा में रेलवे लाइन के पास से ये बरामदगी हुई है। कार मालिक श्रवण सिंह का बेटा ये कार चला रहा था, 12वीं क्लास का छात्र है श्रवण सिंह का बेटा, और पुलिस के डर से कार भगाकर ये छात्र ले गया था। फरार छात्र की तलाश पुलिस कर रही है और कल रात को डीसीपी ट्रैफिक पर हमला हुआ था। स्कॉर्पियो सवार छात्र ने यह हमला किया था, फिलहाल ये बात कह रही है पुलिस। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की थी। तो बड़ी खबर जयपुर से, इसने स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और झोटवाड़ा में रेलवे लाइन के पास से ये गाड़ी बरामद हुई है। कार मालिक श्रवण सिंह का बेटा ये कार चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, 12वीं क्लास का छात्र है श्रवण सिंह का बेटा, जो कि गाड़ी चला रहा था और पुलिस के डर से ये कार भगा कर ले गया था। फरार छात्र की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जी मीडिया संवाददाता शरद पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, फिलहाल स्कॉर्पियो कार जो कि डीसीपी ट्रैफिक पर जो फायरिंग हुई थी उसके बाद बरामद कर ली गई है, अब पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कोशिशें की जा रही है फिलहाल कार मालिक के बेटे को पकड़ने के लिए, निरुत करने के लिए? देखिए, कल रात का ये मामला है, डीसीपी ट्रैफिक रात्रि गश्त में निकल रहे थे तो वो खातीपुरा पुलिया से झोटवाड़ा की ओर जा रहे थे, तो उस दौरान किसी स्कॉर्पियो कार, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, उन्होंने उस कार को टक्कर मारी। संदिग्ध कार की ऊपर ब्लैक कलर के शीशों पर कवर लगा हुआ था, जिसके चलते डीसीपी ट्रैफिक ने अपने गनमैन के साथ में कार का पीछा भी किया, लेकिन पीछा करने के बाद में वो आगे सुनसान जगह पर चला गया और वहां पर कार को छुपा लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस को कार नजर आई, जो गनमैन था डीसीपी ट्रैफिक का वो पास में जाने लगा, तो उस पर कार को चढ़ाने की कोशिश की जो स्कॉर्पियो चालक था उसने, तब वहां पर फिर फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को अपनी ओर से। उसके बाद में वो कार चालक वहां से फरार हो गया। जब कार के नंबर के आधार पर जांच की गई तो श्रवण सिंह की वो कार निकली ये पता चला, और उसके बाद में वो अब जांच में ये सामने आया कि उनका जो बेटा है उस वो कार चला रहा था, तो उसके आधार पर वो उसके जो पुत्र है उसकी तलाश की जा रही है, पुलिस पकड़ने की कोशिश फिलहाल कर रही है। लेकिन गाड़ी को दस्तयाब कर लिया गया, सुनसान इलाके में ये पटरियों के पास में गाड़ी खड़ी थी, वहां से गाड़ी को दस्तयाब किया गया। जल्दी पुलिस कह रही है कि उसको आरोपी जो छात्र है उसको बातचीत की गई। कार मालिक का क्या कुछ कहना है, 12वीं क्लास का एक छात्र जो कि गाड़ी चला रहा था? कल रात से कार मालिक और उनके जो परिवार के लोग हैं वो फरार हैं, पुलिस घर पर भी गई थी लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आया, घर के लोग लगा हुआ था। उसके बाद में जो रिश्तेदार हैं, अन्य पड़ोसी हैं, उनसे पुलिस अब जानकारी जुटा रही है कि आखिर कहां जा सकते हैं, उसके आधार पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शरद आपका। तो आपको बता दें जहां पर पुलिस ने स्कॉर्पियो कार को बरामद कर लिया है और कार मालिक जिसका नाम श्रवण सिंह बताया जा रहा है, उसका बेटा ये कार चला रहा था, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सफर।